दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है आपसे कि अगर फोर्स इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस वी इंटू टी स्क्वायर, ये तो ए और बी की डायमेंशन बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये फोर्स है तो फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा, प्लस ये फोर्स है तो फोर्स में प्लस या माइनस केवल फोर्स होगा, एम आई राइट? काम बन गया आपका। आपने कहा सर एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स, आपको याद होगा कि हमने आपसे बताया था कि वही 5 डायमेंशन याद रख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रख लीजिए, चाहे आईआईटी में जाइए कहीं भी जाइए, बहुत आसान काम बन, आपको याद ही होगा एम टी माइनस टू, क्यों फोर्स इंटू एक्सलेशन ए, ये लेंथ होती तो 1/2 हो गए, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल आई आपकी। देखिए एम इधर ले जाइए, एक आम में से आधा आम गया तो आधा बचा टी की माइनस टू, राइट? ऐसे ही आप इसकी निकाल लीजिए। आप कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बी टी स्क्वायर, फोर्स की आपको याद है मास इंटू एक्सीलेशन, बी निकालनी है टी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए वी इज इक्वल टू एम एल, जब टी इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा, ये 2 प्लस का है, जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे कहा था ए अपॉन बी निकालिए, तो आपने कहा निकाल देंगे भाई, ए अपॉन बी में कोई दिक्कत नहीं है, ए की डायमेंशन ये है एम एल 1/2 -2, वी आपके पास ये है एम एल टी की -4, कॉमन गया। देखिए एम एम कैंसिल हो गया, आधे आम में से ये काम घटा दें, इस बार -1/2, ये आपका ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 माइनस का घट जाएगा तो आपका हो जाएगा एल -1/2 टी की पावर 2।